दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं टाटा मोटर्स के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि आज 1 अगस्त यानी कि 1 अगस्त 2021 है, लेकिन आज मार्केट संडे के कारण यहां पर क्लोज है। लेकिन टाटा मोटर्स के अंदर जो यहां पर जुलाई मंथ की सेल के नंबर्स निकल कर आए हैं, डेफिनेटली नंबर्स काफ़ी शानदार हैं और इसका इम्पैक्ट आपको कल के दिन यानी कि मंडे के दिन टाटा मोटर्स की शेयर प्राइस के ऊपर देखने को मिलने वाला है। तो यदि आपने भी टाटा मोटर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है या फिर आप इन्वेस्टमेंट करने का मन बना रहे हैं तो वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। मैं यहाँ पर कुछ लेवल्स आपको बताने वाला हूँ जिन लेवल्स को ध्यान में रखते हुए आप टाटा मोटर्स के अंदर खरीदारी कर सकते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो के अंदर हम टाटा मोटर्स की जुलाई मंथ के सेल के नंबर्स को भी डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहिएगा। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उसके पहले यदि आपने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। जैसा कि आप देख सकते हैं लास्ट ट्रेडिंग चार्ट मैंने आपके सामने टाटा मोटर्स का देख रखा है, ओपन कर रखा है, जिसमें आप देख सकते हैं टाटा मोटर्स के अंदर हमें लास्ट ट्रेडिंग सेशन के दौरान 300 रुपये का सपोर्ट अचीव होते हुए भी देखने को मिला था, लेकिन शेयर्स यहां पर सस्टेन नहीं कर पाया और वापस इसका जो क्लोजिंग थी वो 294 पर हमें यहां पर देखने को मिल रही है। लेकिन साथ ही साथ टाटा मोटर्स के अंदर जो वॉल्यूम बेस्ड काम था वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। जितने भी इन्वेस्टर और फंड हाउसेज है वो इस शेयर्स को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और यहाँ पर काफ़ी अच्छी डिलीवरेबल बेस्ड क्वांटिटी भी हमें डेली बेसिस पर देखने को मिल रही है। साथ ही साथ ऑर्डर बुक की बात करें तो टाटा मोटर्स के अंदर ऑर्डर बुक के अंदर भी काफ़ी शानदार हमें यहाँ पर फ्रेश बाइंग देखने को मिल रही है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं जुलाई के नंबर्स के बारे में, उसके बाद में यहाँ पर लेवल्स के बारे में भी बात करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं आज ही के दिन यानी कि 1 अगस्त 2021 आज ही के दिन टाटा मोटर्स की तरफ से ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट निकल कर आ चुकी है। NSE और BSE के ऑफिशियल वेबसाइट पर ये पब्लिश भी करी जा चुकी है, जिसके अगर आप सब्जेक्ट में देखेंगे तो टाटा मोटर्स मंथली सेल जुलाई 2021। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको कहा था कि टाटा मोटर्स के अंदर एक पॉजिटिव न्यूज़ अगर यहाँ पर निकल कर आती है तो डेफिनेटली वापस आपको इसके अंदर 310 रुपये तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं और ऐसा ही कुछ कल के ट्रेडिंग सेशन में हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है। चलिए वन बाय वन सारे नंबर्स को एनालिसिस करके चलेंगे, तो वीडियो में बने रहिएगा और सारी चीज़ों को डिटेल में समझेगा। सबसे पहले हम यहाँ पर डोमेस्टिक सेल्स परफॉर्मेंस के बारे में बात करने वाले हैं। तो टाटा मोटर्स ने जो डोमेस्टिक सेल्स में नंबर्स यहाँ पर डिक्लेयर किए हैं जुलाई मंथ के, डेफिनेटली काफ़ी रिकॉर्ड सेल्स यहाँ पर कंपनी की निकल कर आई है एज कम्पेयर टू मंथली बेसिस एंड एज कम्पेयर टू ईयर ऑन ईयर बेसिस। जी हाँ दोस्तों, टोटल डोमेस्टिक सेल्स की अगर बात करें तो जुलाई 2021 के अंदर कंपनी ने 51,981 यूनिट सेल करी है, जो कि जून 2021 में 43,704 यूनिट्स थी। साथ ही साथ अगर जुलाई 2020 की बात करें तो 27,024 यूनिट्स कंपनी ने पिछले साल जुलाई के मंथ में सेल करी थी। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि कंपनी की जो मंथली बेसिस पर सेल्स के अंदर इंक्रीमेंट हमें देखने को मिल रहा है वो 19% का यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर सेल्स को कंपेयर करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 92% की ग्रोथ हमें यहां पर डोमेस्टिक सेल्स के अंदर देखने को मिल रही है। चलिए अब यहां पर वन बाय वन डोमेस्टिक सेल्स के अंदर भी कमर्शियल व्हीकल सेल्स के अंदर कंपनी के कैसे रेशियोज रहे हैं और पैसेंजर व्हीकल सेल्स के अंदर कंपनी की कैसी परफॉर्मेंस रही है, आइए उसे भी जान लेते हैं। तो सबसे पहले कमर्शियल व्हीकल्स की बात कर लेते हैं। तो कमर्शियल व्हीकल्स में आप अगर सेगमेंट वाइज यहाँ पर डिटेल्स चाहते हैं तो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। अभी हम डायरेक्ट टोटल कमर्शियल व्हीकल्स की सेल्स के ऊपर चल रहे हैं, जिसमें कंपनी ने टोटल कमर्शियल व्हीकल्स की सेल 23,848 यूनिट्स की रिकॉर्ड करी है जुलाई 2021 के अंदर, जो कि जून 2021 में 22,100 यूनिट्स की थी, और अगर लास्ट ईयर के जुलाई 2020 की बात करी जाए तो 12,688 यूनिट्स कंपनी ने सेल करी थी। यानी कि मंथली बेसिस पर 8% की ग्रोथ हमें यहां पर देखने को मिल रही है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर लगभग 88% की ग्रोथ यहाँ पर रिकॉर्ड करी गई है। तो डेफिनेटली कमर्शियल व्हीकल्स के अंदर भी कंपनी ने बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस जुलाई के मंथ में यहां पर बनाकर दिखाई है। साथ ही साथ डोमेस्टिक पैसेंजर व्हीकल्स की बात करें तो पैसेंजर व्हीकल्स में जुलाई का मंथ टाटा मोटर्स के लिए काफी शानदार रहा है। जुलाई मंथ में कंपनी ने 30,185 यूनिट्स जुलाई मंथ में सेल करी है अपने पैसेंजर व्हीकल्स की, जो कि जून 2021 में 24,110 यूनिट सेल करी थी और जुलाई 2020 में तो कंपनी ने सिर्फ
15,012 यूनिट्स ही सेल करी थी। यानी कि अगर हम मंथली बेसिस पर पैसेंजर व्हीकल्स का कंपैरिजन देखें तो लगभग 25% की ग्रोथ हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 101% की ग्रोथ यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। तो डेफिनेटली जैसा कि मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, इस वीडियो में भी आपको मैं बताना चाहता हूँ कि टाटा मोटर्स फ्यूचर का मल्टीबैगर शेयर से बस आपको यहाँ पर पेशेंस बनाए रखना होगा और रूमर से बचकर रहना होगा। जैसा कि आपको पता है कि ईवी बिजनेस में भी हमें टाटा मोटर्स के जो यहाँ पर विजन है वो बहुत क्लियर देखने को मिल रहे हैं। कंपनी ने रिसेंटली JLR के अंदर 28,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट, फंड रेजिंग से रिलेटेड भी अपडेट्स यहाँ पर निकल कर आ रही है और ईवी बिजनेस को लेकर कंपनी यहाँ पर फंड रेजिंग करने जा रही है। साथ ही साथ JLR के अंदर 28,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कंपनी कर रही है। साथ ही साथ शेयर होल्डिंग्स पैटर्न की भी बात करें तो यहाँ पर म्यूचुअल फंड ने अपने स्टेक को इंक्रीज किया है, साथ ही साथ फॉरेन इन्वेस्टर और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर सभी ने अपने स्टेक को इस शेयर के अंदर इंक्रीज किया है। तो डेफिनेटली ऑटो सेक्टर के शेयर्स के अंदर आप भी यहां पर पोजीशंस बनाकर रख सकते हैं और मिनिमम 2 साल का टारगेट आप यहां पर 500 रुपए तक का लेकर चल सकते हैं। टाटा मोटर्स की जो मंथली बेसिस पर टेक्निकल रेटिंग भी निकल कर आ रही है वो भी काफ़ी बुलिश की निकल कर आ रही है, तो इस चीज़ को भी आपको इग्नोर नहीं करना है कि यदि आपके पोर्टफोलियो में अभी टाटा मोटर्स के अंदर अगर लॉस भी शो हो रहा है तब भी यहाँ पर आपको अपनी पोजीशंस को कंटिन्यू रखना है। डेफिनेटली यहाँ पर आपको कुछ बड़े टारगेट बहुत जल्दी देखने को मिलने वाले हैं। साथ ही साथ टाटा मोटर्स के जो मंथली बेसिस पर यहाँ पर रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल निकल कर आ रहे हैं, आइए उसे भी जान लेते हैं, जिसमें 3 रेजिस्टेंस जो टाटा मोटर्स के लिए निकल कर आ रहे हैं, जिसमें पहला रेजिस्टेंस 340 रुपये 23 पैसे का, दूसरा रेजिस्टेंस 386 रुपये 52 पैसे का और तीसरा रेजिस्टेंस 414 रुपये 83 पैसे का निकल कर आ रहा है। साथ ही साथ सपोर्ट की बात करें तो इसका मंथली सपोर्ट ही 265 रुपये का है। जहाँ तक शेयर्स नहीं जाने वाला है तो आपको यहां पर बिल्कुल भी पैनिक नहीं लेना है। साथ ही साथ टाटा मोटर्स के शेयर्स का जो RSI लेवल और MFI लेवल है वो भी हमें मिड रेंज के अंदर यहां पर ट्रेड होते हुए देखने को मिल रहा है। तो डेफिनेटली आपके पास यहां पर एक अपॉर्चुनिटी है 295-300 के लेवल पर इसके अंदर खरीदारी करने की। साथ ही साथ अगर आप इस शेयर को इंट्राडे सेशन में भी पिक करना चाहते हैं तो डेफिनेटली यहां पर आप जो सपोर्ट लेवल मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ उसको ध्यान में रखते हुए आप इसके अंदर खरीदारी कर सकते हैं। कल के ट्रेडिंग सेशन के दौरान जैसा कि आप देख सकते हैं 15 मिनट्स का कैंडलस्टिक चार्ट्स मैंने आपके सामने ओपन कर रखा है, जिसमें इंट्राडे सेशन में आप पूरी तरीके से लर्निंग करके चल सकते हैं। अगर आप RSI लेवल को भी देखेंगे तो वो भी मिड रेंज के अंदर देखने को मिल रहा है और लास्ट ट्रेडिंग सेशन के दौरान भी हमें मार्केट क्लोजिंग के वक्त काफ़ी अच्छी बाइंग इसके अंदर आते हुए देखने को मिल चुकी है। साथ ही साथ टाटा मोटर्स के लिए कल का जो रेजिस्टेंस रहने वाला है वो 310 रुपये का रेजिस्टेंस रहने वाला है। यहां पर आपको 310 रुपये तक के टारगेट कल के दिन देखने को मिल सकते हैं। साथ ही साथ सपोर्ट की बात करें तो 279 का ऑल टाइम सपोर्ट लेकर आप इसके अंदर खरीदारी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अनदर किसी इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड।